हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर और मैं लाई हूं आपके लिए एक और वीडियो। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अपने आंसर्स से जो कि है क्विज नंबर 3 के। तो हो जाइए तैयार, उठा लीजिए अपनी कॉपी और चेक करिए अपने आंसर्स और देखते हैं आज किन के आंसर्स कितने ठीक हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट आंसर है अ प्लेस वेयर ट्रेन स्टॉप्स इज, जहाँ पे ट्रेन रुकती है वो क्या कहलाता है, वो स्टेशन कहलाता है। STATION, स्टेशन, 7-lettered word, स्टेशन। सेकेंड क्वेश्चन है अ पर्सन लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, लोगों के सामने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाता है वो कौन होता है, वो शाय होता है, शर्मिला, SHY, 1 word with 3 letters. थर्ड क्वेश्चन, इफ यू हैव हस्बैंड और वाइफ इट मीन्स यू आर, अगर आपका हस्बैंड है या वाइफ है तो आप क्या हो, आप मैरिड हो, MARRIED, मैरिड, 7-lettered word. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज इट हेल्प्स अ लॉस्ट ड्राइवर ऑन रोड, तो कौन हेल्प करता है एक ड्राइवर की, जी हाँ, ऑलवेज अ GPS सिस्टम, सो तो 3-lettered word इज GPS. फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट एंशियंट और ओल्ड, हु एम आई, और इसका आंसर है मॉडर्न, MODERN, 6 letters 1 word. तो आई होप आपने अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे और अपने आप को आप स्कोर्स भी दे सकते हैं। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को। नाउन और प्रोनाउन के बाद जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब होता है एन एक्शन, एक एक्ट, कोई भी काम, एनी एक्शन, किसी भी काम के लिए जो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है, जो एक जो कि बताता है कि ये कोई काम हो रहा है या ये कोई काम है या था, वट एवर। तो टेंस पे अभी हम नहीं जाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड जो हमारे किसी भी किए हुए काम को, किसी भी एक्शन को जो डिस्क्राइब करता है वो वर्ब होता है। अब जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हैं, तो जिसमें से पहली है वॉक। वॉक मीन्स चलना, तो चलना भी एक एक्शन है, एक काम है। लाफ, हंसना, हंसना भी एक एक्शन है। नेक्स्ट इज राइट, लिखना, लिखना भी एक एक्शन है। सिट, बैठना, बैठना भी एक्शन है। सी, देखना, लिसन, सुनना, डांस करना, ऐसे बहुत सारे और जो वर्ड्स हैं जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, और वो सारे के सारे किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, वो आते हैं वर्ब की कैटेगरी के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि वर्ब कैसे यूज होती है सेंटेंसेस में। तो हमारी फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है आई राइट इन इंग्लिश। राइट मीन्स लिखना, सो हमने एक वर्ब यूज की है अपने फर्स्ट सेंटेंस में और हमने एक एक्शन बताया है कि मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल इज वी डांस ऑन म्यूजिक, हम डांस करते हैं म्यूजिक के ऊपर, सो डांस भी हमारा एक एक्ट है, एक एक्शन है, सो दैट इज ऑल्सो अ वर्ब। हमारी थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल है दे लाइक मूवीज, उनको मूवीज पसंद है या वो मूवीज पसंद करते हैं, तो पसंद करना भी किसी को ये एक एक्ट है, ये एक एक्शन है, तो ये भी एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब्स के आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, लेकिन उनमें हम डिटेल में जाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ यहाँ पे कि मेनली ये जो है वर्ब, ये जो वर्ड वर्ब है वो होता क्या है। तो बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब आप जैसे बोर्ड पे देख ही सकते हो कि मैंने उसको दो हिस्सों में तोड़ा है, एड प्लस वर्ब। जी हाँ, जो वर्ब में जो आपके एक्शन में थोड़ा सा एडिशन करे वो आपका एडवर्ब है। अब एडवर्ब करता क्या है, होता क्या है? ये एडवर्ब जो है वो आपको बताता है कि अगर कोई चीज हो रही है, इफ समथिंग इज हैपनिंग और समथिंग हैपन्स, देन वो हाउ, कैसे हुई, व्हेन, कब हुई, वेयर, कहाँ हुई, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार हुई, ठीक है? तो उसका आपको बताता है कि कितनी बार कोई चीज हो रही है, रिपीट हो रही है, या चीज कोई कब हो रही है या कहाँ पे हो रही है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी भी एक्शन की, कि वो जो कोई एक्शन है वो हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एडवर्ब्स देते हैं जो कि आपके सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ये आपको आपके सेंटेंस का मैनर बताते हैं कि किस तरीके से जो कोई एक्शन है वो हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए कि एडवर्ब के लिए कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं, जैसे कि क्विकली, जल्दी से, स्लोली, धीरे से, ऑलवेज, हमेशा ही, लेट, लेट मतलब काम जल्दी नहीं हुआ, नेवर मतलब कभी भी नहीं हुआ, ठीक है जी? तो ये है कुछ एग्जांपल्स। अब हम इनको देखेंगे सेंटेंसेस में ये कैसे यूज होती हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट इज जॉन ईट्स फूड स्लोली। जॉन अपना खाना कैसे खाता है, स्लोली। सो ये हमें बता रहा है कि जॉन का खाने का मैनर क्या है, मतलब वो किस तरीके से खाता है, वो धीरे खाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज वी गो आउट डेली। हम बाहर जाते हैं कब, व्हेन, डेली, ठीक है? ये बताता है हमारा व्हेन का आंसर कि हम जो बाहर जाते हैं तो वो कब जाते हैं, डेली जाते हैं। स्टूडेंट्स नेवर मिस माई इंग्लिश क्लास। जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी इंग्लिश की क्लास कभी मिस नहीं करते। सो नेवर टेल्स व्हेन, कब, कभी भी नहीं मिस करते हैं, ठीक है? तो ये हमें वर्ब का मैनर बताता है, ठीक है, कि कैसे कोई जो एक्शन है वो हुआ है, कब हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स एडवर्ब की। तो हमने आज जाना कि वर्ब और एडवर्ब क्या होते हैं और उनको सेंटेंसेस में हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है? तो हम आगे इनके सब पार्ट्स में भी जाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं, वो हम आगे की आने वाली वीडियोस में जाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो हमारी और लंबी हो जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट्स लेके मैं कल आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। तो फिलहाल बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है क्विज सेक्शन। तो आज का हमारा क्विज है क्विज नंबर 4। तो क्विज नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आई एम पर्पलिश ब्लू कलर, व्हाट एम आई? तो बताइए ये कौन सा कलर है। योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 6 अल्फाबेट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्ट फॉर स्किन डेकोरेशन इज। स्किन को डेकोरेशन करने के लिए जो आर्ट यूज होती है उसको क्या बोलते हैं। योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद अगेन 6 अल्फाबेट्स। द थर्ड क्वेश्चन इज इट इज अ मिस्टेक, व्हाट इट इज? ये एक गलती है, इसको हम क्या कहेंगे। योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 5 अल्फाबेट्स। द फोर्थ क्वेश्चन इज टू परसीव और एक्सपीरियंस द फ्लेवर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के फ्लेवर को एक्सपीरियंस करना, उसे क्या कहते हैं। योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 5 लेटर्स। एंड योर फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज अ क्वांटिटी अचीव्ड बाय एडिशन इज। एक क्वांटिटी जो ऐड करने पे हमारे पास आ जाती है, उस क्वांटिटी को
क्या बोलते हैं? योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद फाइव अल्फाबेट्स. सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आप अपनी पूरी कोशिश करिए, ये आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे. थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करिए और ये आंसर्स आपके सामने ही हैं. बस थोड़ा सा मेहनत और चाहिए. और हाँ, जाने से पहले आपको याद करवा दूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छी लगती है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है. तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ट्राइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. योर टीचर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.